तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अथर्वस गार्डनिंग में। आज के इस वीडियो में हम लगाने वाले हैं दो टाइप के सकलेंट प्लांट, ग्राफ्टोपेटलम और फ्लैपजैक्स। तो इसका सॉइल मिक्सचर आप देख सकते हो, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। तो फ्रेंड्स, जो सॉइल मिक्सचर है इसके लिए हमने लिया है कंस्ट्रक्शन सैंड। आप कंस्ट्रक्शन सैंड की जगह पे बजरा भी ले सकते हो, और मैंने यहाँ पे लिया है ब्लैक सॉइल और कोकोबिट मिक्स और अच्छी सी गार्डन सॉइल। दोस्तों, आप चाहे तो ब्लैक सॉइल को अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि ब्लैक सॉइल की वजह से जो सकलेंट प्लांट के रूट्स है वो रॉट होने चालू हो जाते हैं, वो मॉइस्चर को होल्ड करता है। तो ये जो पॉट है हमारा, इस पे बहुत सारे होल है, इसलिए मैंने इसमें बटर पेपर डाल दिया है। दोस्तों, पेपर डालने से क्या होगा कि सॉइल जो है वो होल से नीचे नहीं गिरेगी और ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत अच्छे से बना रहेगा। तो आपको सॉइल मिक्सचर को मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हो मैंने सॉइल मिक्सचर को अच्छे से मिक्स किया है। दोस्तों, ये जो सॉइल मिक्सचर है ये बहुत ही यूनिवर्सल है, मतलब रेनी सीजन में भी आपके प्लांट को ये अच्छी सेहत देगा। आप चाहे तो इसमें ग्रेवल्स या फिर परलाइट भी मिक्स कर सकते हो। दोस्तों, इससे क्या होता है कि हमारे जो सॉइल के ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत अच्छे से बने रहते हैं। तो यहाँ पे हम अभी जो पॉलीथीन बैग है उसको कट करके प्लांट को साइड में निकाल लेंगे। और दोस्तों, ये जो नर्सरी की सॉइल होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती है हमारे सकलेंट प्लांट की हेल्थ के लिए, क्योंकि नर्सरी वाले इसमें परलाइट या फिर रिवर सैंड वगैरह मिक्स नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वाटर बहुत ही मॉइस्चर होल्ड रहता है और प्लांट्स के रूट रॉट हो जाते हैं। दोस्तों, ये जो प्लांट है ये फ्लैपजैक्स है। इसको लाते समय मैंने देखा नहीं था, जो नर्सरी वाले है उन्होंने इसको कटिंग से लगाया है, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हो इसमें रूट्स की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है। तो थोड़े थोड़े रूट्स आने चालू हो गए हैं, तो मैं इसको ही लगा देने वाला हूँ। दोस्तों, ये जो प्लांट्स सकलेंट के हैं ये मेरे को बहुत ही कम दाम में मिले हैं, 20 रुपीज़ में मिला है। आप इसकी ऑनलाइन कीमत 200-250 रुपये देख सकते हो। तो हम अभी ये सॉइल मिक्सचर को इसमें भर लेंगे। आप देख सकते हो सॉइल मिक्सचर को मैंने कट टू कट भर लिया है, और फिर हम इसमें होल करके ये प्लांट को लगा देंगे। दोस्तों, ये जो कटिंग इन्होंने लगाई है इसका रूटिंग अभी अभी चालू हुआ है, तो इसको अच्छे से आपको प्रेस करके लगा देना है। दोस्तों, इसको आपको हर 2 दिन में पानी देना है, और पानी इतना ही देना कि ड्रेनेज से नीचे से निकल जाए। तो यहाँ पे मैं सेम स्टेप फॉलो करके दूसरे प्लांट को भी लगाने वाला हूँ। इस प्लांट को मैं गमले में आधी सॉइल भर के फिर लगाने वाला हूँ। पिछला जो प्लांट था इसको मैंने फुल कट टू कट सॉइल भर के फिर होल करके लगा दिया था, तो इसका हम रूट को लूज़ कर लेंगे और फिर हम इसमें आधी सॉइल भर के इसको लगा देंगे। आपके सकलेंट को अच्छी हेल्थ के लिए आप इसमें फंगिसाइड रेनी सीजन में डाल सकते हो, जिससे क्या होगा कि हमारे प्लांट के रूट्स रॉटिंग होनी बंद हो जाएगी। तो अभी मैं इसको पानी देने वाला हूँ। आप देख सकते हो अच्छे से पानी देना है, जब तक ड्रेनेज से पानी निकल जाए तब तक आपको पानी देना है। तो यही था हमारा आज का छोटा सा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।